Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start our part number 4 of your chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats. So today we will next 2 pages, page number 85 and 86 cover up in this video. So let's start quickly, open your books with page number 85 and also make sure to subscribe the channel. तो देखो ये आपका पेज नंबर 84 है. कल हमने ये कर लिया था कि माउंटेन रीजन में प्लांट्स कैसे होते हैं एंड एनिमल्स कैसे होते हैं. सो लास्ट लाइन से स्टार्ट कुछ कवर अप करते हैं. स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. तो हम देख रहे थे कि जो एनिमल्स हैं माउंटेन रीजन में वो किस तरह के अडेप्टेशन रखते हैं, किस तरह के फीचर्स हैं उनके, कि उनके जो बॉडी पे फर है या उनकी बॉडी पे जितनी भी स्किन है वो बहुत थिक होते हैं ताकि वो सर्दी से बच सके. दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो. द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप ऑन रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन. रॉकी स्लोप्स मतलब पत्थर जैसे जो स्लोप होती है, ढलान होती है, उसके ऊपर भाग सकती है गोट. इस तरह की उसकी अडेप्टेशन है. As we go up in the mountain region, the surroundings change and we see different kind of adaptation at different height. तो mountain देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं अलग अलग height पर, तो हर height पर अलग अलग तरह का atmosphere है, अलग अलग तरह का weather है और उसी तरह से वहाँ पर adaptations भी different है. अब हम हमारा main topic start करते हैं, that is grasslands. और grasslands क्या है, ये फिर एक terrestrial की ही type है. यहाँ पर कैसे देखो animals plants हैं उनके बारे में देखेंगे. First one is a lion lives in a forest on a grassland and is strong animal that can hunt, kill animals like deer. तो कहते हैं जो lion है वो बहुत strong animal है और वो दूसरे animals को मारता भी है, उनको उनकी killing करता है. It is light brown in color. इसका color कैसा है, light brown. Look at the picture of a lion that a deer 9.8. तो ये आपको picture दी गई है, this is deer and the upper one is lion. How are the eyes placed in the face for these two animals? तो आप eyes देख रहे हो इनके कैसे हैं? Are they in front or side of the face? Lions have long claws in their front leg that can be withdrawn inside the toes. तो simply पहले तो देखो eyes बताई गई हैं. जो ये deer है उसकी eyes कहाँ पे हैं? देखो face के side पे. But जो lion है उसके front पे, जैसे हमारी होती है ना front पे. But जो deer है उसके दोनों ही eyes कहाँ पे हैं? बिल्कुल वो side by side, one and राइट एंड लेफ्ट साइड पे. नेक्स्ट आपको बताया गया कि जो लॉयन का फीचर है कि उसके लॉन्ग क्लॉज होते हैं जो उसके टॉज के नीचे छुप जाते हैं. डू द फीचर ऑफ द लॉयन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव. इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड ड्राई ग्रास लैंड वेन इट हंट फॉर प्रे एनिमल्स टू. तो सिंपली आपको बताया हमें, देखो इसमें क्या कुछ बताया था कि एक तो उसका जो कलर है वो ब्राउन है ना, और क्या बताया कि वो हंटिंग करता है या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको मार देता है. थर्ड क्या बताया था कि उसकी आइज कहाँ है. तो बहुत सारे फीचर पे वो वर्क कैसे करते हैं वो बताया गया. सबसे पहले तो ब्राउन कलर क्या हेल्प करता है कि वो किसी भी ग्रास के पीछे या झाड़ियों के पीछे छुप सकता है ताकि वो अपने जो भी शिकार है उनको पकड़ सके, या अगर कोई उसका शिकार कर रहा है तो उनसे बच सके. जैसे हम मान लो लॉयन का शिकार करने गया, अभी तो चलो बैन है, बट फॉर एग्जांपल कोई हंटिंग करने के लिए गया है ना, उसको लॉयन दिखा तो लॉयन छुप सकता है उसके पीछे ड्यू टू हिज ब्राउन कलर. द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे. और अगर लॉयन को किसी का शिकार करना है तो वो कैसे ढूंढेगा, क्योंकि उसकी आईज फ्रंट पे है, वो कैसे हेल्प करती है, वो पूरी दूर तक के पूरा आइडिया लगा सकता है कि कहाँ पे उसका शिकार है. प्रे क्या होता है, एनिमल जिसका हमें शिकार करना है, मतलब जिसको मार के खाना है. अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड. तो यहाँ लॉयन का खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट एनिमल की तरफ चल रहे हैं, दैट इज डियर. लॉयन इज डियर को मार के खाता है. अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड. इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट. तो इसके टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग है ताकि फॉरेस्ट में जितने भी स्टेम्स वगैरह हैं वो अपना खाना इसके तौर पर वो खा सके. अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट्स प्रे इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैन नॉट बिकॉज दे आर प्रे. तो वो क्या लिखा हुआ है, अभी देखो दो वर्ड्स पढ़े हमने, एक तो प्रे, एक हमने पढ़ा प्रीडेटर. दोनों में डिफरेंस समझे. प्रे तो होता है शिकार जिसको मार के खाया जाएगा, एनिमल जिसको किल किया जाएगा, मारा जाएगा. बट प्रीडेटर क्या होता है, वो एनिमल जो बच रहा है, मतलब जिस जो शिकार कर रहा है, मतलब दिस वन इज शिकारी एंड दिस वन इज शिकार. समझ आया. जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉयन है, लॉयन ने डियर को खाना है, मतलब उसको मारना है, तो शिकारी कौन हुआ,
लॉयन, तो ये क्या हो गया प्रीडेटर, एंड शिकार क्या हो गया हमारा डियर, विच वी विल कॉल इट एज प्रे. समझ आया, प्रीडेटर हो जाएगा लॉयन एंड प्रे हो जाएगा हमारा डियर. मतलब जैसे यहाँ पे वही लिखा है, जो डियर है अपने प्रीडेटर से, मतलब जो उसका शिकार करने आ रहे हैं उससे बचने के लिए वो अपनी आईज का यूज करता है. नेक्स्ट वन, इट हैज लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स. तो प्रीडेटर्स कहाँ से आ रहे हैं, किस साइड से आ रहे हैं, उनकी मूवमेंट का पता लगाने के लिए उसके लॉन्ग बड़े बड़े कान हैं. ठीक है, द आईज ऑफ द साइड हैड अलाउ इट टू लुक इन डायरेक्शन फॉर डेंजर. तो देखो, जो डियर है उसकी एक आई राइट साइड पे है फेस के, एक लेफ्ट पे है, तो राइट का व्यू भी देख सकता है एंड लेफ्ट का व्यू भी देख सकता है. द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स. और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है. तो देखो, डियर के बारे में हमें कितना कुछ बताया. सबसे पहले तो बताया कि उनके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर सेकंड पे बताया कि उसकी जो आईज हैं वो दोनों तरफ देख सकता है और उनको चेक कर सकता है. थर्ड, उनके ईयर्स के बारे में बताया कि जो उसके ईयर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड द लास्ट वन बताया कि उसकी जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज भागता है अपनी लेग्स की हेल्प से, जो उसको अपने शिकारियों से बचने की हेल्प करता है. देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ द लॉयन डियर और एनी अदर एनिमल एंड प्लांट्स दैट हेल्प टू सर्वाइव इन द हैबिटेट. तो जैसे हमने ग्रासलैंड का लॉयन एंड डियर देखा, वैसे बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जो सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरीकों से अपने हैबिटेट को बनाते हैं, यूज करते हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. अभी हमारा डेजर्ट एरिया हो गया, माउंटेन एरिया हो गया, ग्रासलैंड हो गया. नेक्स्ट इज अवर वाटर, दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट्स. एक्वेटिक्स में सबसे पहले है हमारा ओशियन. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी. क्यों? क्योंकि फिश के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी है, फिश के पास एक बहुत अच्छी सी टेल है, और फिश के पास फिन्स हैं, उसके पास गिल्स हैं ताकि पानी में जितने भी ऑक्सीजन है वो ले सके. Many other sea animals have streamlined body to help move easily in water. There are some sea animals like squids, octopus, which do not have streamlined body. तो streamlined body का तो हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे उन animals के बारे में जिनकी streamlined body नहीं होती. जैसे आप देख सकते हो octopus. ठीक है, this one. They stay deeper in the ocean. ये बहुत deep, बहुत नीचे वाली ocean की सतह में रहते हैं. नियर द सी बेड. सी बेड क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमारा सी है ना. सो इसके ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज अबव. एंड जो सी बेड नीचे, जहाँ सी खत्म हो जाती है उसके नीचे नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं सी बेड. तो जो हमारे ऑक्टोपस है या स्क्विड्स है, ये सब वहाँ रहते हैं. हाउ एवर वेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीम लाइन. तो जब वो मूव करते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये तो नॉर्मल ऑक्टोपस है, ये जब एनिमल मूव कर रहा है इसने अपनी बॉडी की शेप हल्की से स्ट्रीम लाइन कर ली. These animals have gills, इनकी भी gills होती हैं, to help use oxygen dissolved in water. जैसे हमने पढ़ा था कि fishes के पास gills हैं, तो इनके पास भी gills ही होते हैं. Next is, there are some sea animals like dolphin and whale that do not have gills. वो सांस कैसे लेंगी, उनके पास तो gills ही नहीं है. They breathe air through nostrils or blow holes. तो उनके क्या होता है, एक nose जैसा blow hole बना होता है, जैसे आपको इस picture में दिख रहा है. ये है ब्लो होल, तो वो बाहर आती हैं ब्लो होल से, सांस लेती हैं मतलब ऑक्सीजन लेती हैं. दे आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड. उनके हेड के अपर पार्ट पे, उनका हेड है, हेड के अपर पार्ट पे एक ब्लो होल बना हुआ होता है. दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ वाटर. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग. ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक मिनट बाद बाहर आएंगी सांस लेने के लिए. जैसे हम तो बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, हम नहीं रोक सकते अपनी सांस ज़्यादा टाइम के लिए, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए नीचे पानी में रह सकती हैं अपनी सांस को रोक. दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू ब्रीथ इन द एयर. और वो इस ब्लो होल से सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती रहती हैं, फिर सांस लेकर फिर अंदर चली जाती हैं. Did you ever see this interesting activity of dolphin on televisions or films? क्या आपने कभी देखा है? देखो, जो dolphins है वो बारी बारी पानी में इस तरह से ऐसे ऐसे चलती रहती हैं. देखा होगा बहुत लोगों ने जो घूमने गए हैं, है ना. सो देखा है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट इज पोन्स एंड लेक. तो ओशियंस हमने कर लिया. ओशियंस में हमने स्ट्रीमलाइंड, नॉन स्ट्रीमलाइंड एंड विदाउट गिल्स वाला किया. पोन्स में क्या है, हैव यू एवर सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पोन्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स. Go on a field trip to the nearby pond if possible and try to observe the kinds of plants that seem there. तो आपको क्या करना है, कोई भी आपके आसपास कोई पोंड है, रिवर या लेक है, आपको उसके पास जाके एनालाइज करना है कि वहाँ पे कैसे कैसे प्लांट्स हैं. ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स. तो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि उसके लीव्स कैसे हैं, उनके स्टेम्स कैसे हैं, या उनके जो रूट्स हैं वो किस तरह की हैं. सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स
फिक्स इन द सॉइल. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो जो ये प्लांट है, दिस वन एंड दिस वन, इनके जो रूट्स हैं वो फिक्स है प्लांट में. बट ये इसकी फिक्स नहीं है, इसको तो कोई रूट नहीं दिख रही हमें यहाँ पे, इट मीन्स ये फ्लोट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे. इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे हमारे प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ट्री, ट्री तो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है क्योंकि जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो ऊपर पहुंचाता है स्टेम में. हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस. बट कहते हैं जो पानी वाले प्लांट्स हैं उनकी रूट्स का फंक्शन कुछ अलग ही है. उनकी रूट्स क्या काम करती हैं, वो जस्ट उनको होल्ड करके रखती हैं, उनको ग्रिपिंग बना के रखती हैं. द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, और पानी वाले प्लांट्स की स्टेम लॉन्ग होती है, होलो अंदर से खाली एंड हल्की होती है. हल्की क्यों, तभी वो तैर पाएंगी, भारी होंगी तो वो पानी में स्विम नहीं कर पाएंगी. द स्टेम ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स ऑफ द फ्लावर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर. सबमर्ज्ड मतलब डूबे हुए. ऑल पार्ट्स सच प्लांट्स आर अंडर वाटर. सारे ही पार्ट्स पानी में होते हैं. आपने देखा होगा जैसे आपका ओशियन है, यहाँ पे प्लांट है, उसके सारे पार्ट्स अंदर ही हैं, बाहर कुछ भी नहीं दिखता. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स. दीज कैन बेंड इन द फ्लोटिंग वाटर. और जो लीव्स हैं, जैसे पानी इधर गया इधर गया इधर गया, ऐसे 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 फ्लोट करते रहते हैं. दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर. इन सब सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रो विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम. मतलब जो पानी उनके लीव्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो इधर उधर घूम सकते हैं. ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अवर फ्रॉग. फ्रॉग यूजुअली लिव इन पोंड. फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एंड ऑन द लैंड. मतलब ये एक्वेटिक एनिमल भी है एंड ये नीचे लैंड पे भी रह सकता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे. तो इनके जो ये लेग्स होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके. दे हैव वेब्ड फीट. वेब्ड फीट क्या होता है, इस तरह से, ये इस तरह से वेब बना हुआ, विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे वेब में रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, दिस वन, ये होता है वेब फीट. ठीक है, वो पानी में तैरने में हेल्प करता है. वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट. जैसे हमने डेजर्ट के अलग देखे, माउंटेन के अलग देखे, फिर हमने टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड का देखा, ग्रासलैंड के बाद हमने एक्वेटिक देखे, फिर हमने फ्रॉग देखा जो हमारे लैंड पे भी रहता है एंड पानी में भी रहता है. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड वेरी वराइड वराइटी ऑफ प्लांट्स. इसी तरह से हमने एनिमल्स देखे, उसी तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखे. वैन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ योर सजेस्टेड इन एक्टिविटी इन चैप्टर 7, इमेजिन द काइंड ऑफ वराइटी दैट यू कुड सी इन हर्बेरियम ऑफ लीव्स प्लांट्स फ्रॉम ऑल द अर्थ. तो आपको देखो पिछले चैप्टर में आपको बताया भी गया था, चैप्टर के एंड में एक एक्टिविटी दी थी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लीव्स लेके आने और उसकी एक अपनी स्क्रैप बुक रेडी करनी है जिसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, है ना. सो आपको जस्ट वो पूछ रहे हैं कि इमेजिन करो हम इतने सारे रीजन्स के, इतने सारे हैबिटेट के, लाइक दिस, ये एक हर्बेरियम है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स का, तो कितने सारे प्लांट्स वहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, है ना. सो बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स की हमारे पास. सो यहाँ पे आपका पेज नंबर 86 खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज योर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. सो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं. कल हम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 87, 88 एंड 89. आज की क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.